यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की रेड पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आईएएम के सभी डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। इन डॉक्टरों ने अपने अपने अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड व एमटीपी करना भी बंद कर दिया है। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह 3 दिन के बाद अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को भी चेक करना बंद कर देंगे। सर, हमें जो लग रहा है, जो अभी रितु मग्गो और इकबाल कौर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो प्रशासन की हाई हैंडेडनेस है। ज़रूरत नहीं थी उसकी, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया था। ज़बरदस्ती टारगेट पूरे करने के लिए ये केस दर्ज हुआ है। ये केस कचहरी में स्टैंड नहीं करेगा, पर FIR हो गई, अल्टीमेटली अरेस्ट भी होगा। अब एक शरीफ डॉक्टर बिना गुनाह के अरेस्ट होगा, इसलिए उतरे हैं। सब जगह थक गए हैं दे कर अपनी रिप्रेजेंटेशन की है, ना हो ऐसा, पर FIR हो गई, अब अरेस्ट भी होगा, अल्टीमेटली तो होगा। स्ट्राइक पे नहीं है इस वक्त, अभी सिर्फ जो सिंपली MTP सेंटर सबने बंद कर दिए हैं, MTP नहीं कर रहे हैं। अगला स्टेप है प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखना बंद करेंगे, और नहीं बात बनेगी तो सारे स्ट्राइक पे भी जाएंगे, अल्टीमेटली तो जाना पड़ेगा अगर नहीं सुनवाई होगी तो। लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, प्रशासन तो सुन नहीं रहा। प्रशासन तो कहता है हमें ऊपर से डंडा आया, हमें तो केस दर्ज करने हैं, सुनेगा कौन हमारी। तो ये लिखा गया कि टारगेट पूरा करने के, हाँ, टारगेट टारगेट ना बनाया जाए। हाँ, वो क्यों होड़ चल रही है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं PNDT में, MTP में, वो कर रहे हैं बस, ज़बरदस्ती करने हैं। पंच को इसमें पानीपत और यमुनानगर में बराबर की होड़ चल रही है, किसके ज़्यादा केस हैं, उसमें क्यों मारे जा रहे हैं डॉक्टर, क्यों मारे जा रहे हैं। बिल्कुल निजी जो है, सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए, अपने बड़े अफसरों के पास अपनी दिखाने के लिए कि लो जी मैंने इतने केस कर दिए, डॉक्टरों के खिलाफ टारगेट किए जा रहे हैं, केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोई मौका दिया है या सीधे ही आप? नहीं, मौका हम ADC से 2 बार मिल चुके हैं, DC कल नहीं मिल पाए, हम CMO से 2 बार मिल चुके हैं, कल हमने विज साहब से भी मिलने जाना है 10 बजे, कल विज साहब से मिल लेते हैं, देखते हैं, नहीं तो 4-5 दिन के बाद एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखना बंद करेंगे। सबके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है इस बात को लेकर कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट को सिर्फ एक जो अपने प्रोटोकॉल और डेकोरम से चल रहे थे, सिर्फ उसमें वो पहले पहुंच के उन्होंने रेड मारी और वो ज़बरदस्ती उनको हैरेस करने के लिए FIR लॉज हुई है। हम सारे के सारे डॉक्टर्स इस चीज़ के टोटली खिलाफ हैं। कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, अगर लगता है कि कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, तो उनको नोटिस दिया जाता है, वो अपना जवाब देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन देने का चांस होना चाहिए। और जितने भी फैक्ट्स सामने आए हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स एक डेकॉय को मैनिपुलेट करके बुलवाए गए हैं, उसमें कहीं भी ये ट्रू फैक्ट्स नहीं लग रहे हैं हम लोगों को। इसलिए हम लोग सारे अपने कोलीग के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको सपोर्ट करें, ताकि आगे से कभी भी किसी को हैरस ना करें, और उनको भी जो हैरेसमेंट हो रही है वो वापस ले प्रशासन। पूरे हम लोग डॉक्टर्स जितने भी हैं, हम लोग पूरी सोसाइटी को सर्व करते हैं दिन रात। वो लेडी डॉक्टर्स बहुत एजेड हैं, 55-60 ईयर्स की एज है, उन्होंने 30-30 साल इस शहर को दिए हैं, सेवा की है, कम से कम उन्हें एक मौका तो बनता है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे। अगर इंक्वायरी में कुछ भी गलत होता है तो हम लोग उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन इंक्वायरी होने तो देते, पहले ही FIR रजिस्टर करके उनके नाम पे हम लोग सोचे कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, ये चीज़ टोटली गलत है और सारे डॉक्टर्स इस चीज़ के खिलाफ हैं। अभी तक शहर में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिन पर ये अनसर्सरी गाज गिरी है? नहीं, इस तरह के क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि FIR रजिस्टर होने के बाद इस केस में बेल नहीं होती, जब तक बेल नहीं होती तब तक वो डॉक्टर जेल में रहता है, बाद में जब जुडिशरी में जाता है मामला तो वो बिल्कुल फेक निकलता है, गलत निकलता है और सारे बरी हो जाते हैं। लेकिन वो 15-20 दिन या वो 1 महीने की जो टेंशन या टॉर्चर है उसका क्या, वो कहाँ से जस्टिफाइड है? किसी को भी अंदर डालने से पहले आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करो। एक प्रतिष्ठित नागरिक है हम लोग समाज के, हम समाज को इतना अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई सब देते हैं, तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं बनता कि हमें पहले इन्वेस्टिगेशन हो? अगर हम फॉल्टी है, अगर हम गलत है तो ज़रूर सजा हो, लेकिन बिना गलती के अंदर पकड़ के ठूसने का कोई तरीका नहीं है। कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, कोई चाल में रहने वाले या कोई लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने बहुत क्राइम कर रखे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ डॉक्टर्स की तरह तमीज से पेश आना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस के लिए जहाँ तक जाएंगे हम लोग जाएंगे, वी हैव नो एंड, वी हैव स्ट्रेटजीज, पूरा IMA यूनाइटेड है, और जहाँ तक हमें लगा हम लोग फाइट करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप बैक।